पर चलिए, जोन कभी नदन तो कभी सदन। इस बार एक हार्ड सदन शिफ्ट आता हुआ, जहां पे ओआर की स्क्वाड सर्कल के अंदर है न्यूमैन, गॉडलाइक सोल, ये सारी टीम्स पोजिशनिंग डिसेंट, बट अब वो जो जमावड़ा है वो आने वाला है। बट ऐसे में एक एडवांटेज इस पोजिशन रहेगी गॉडलाइक के लिए, क्योंकि उनके अराउंड कोई टीम नहीं, बट वो ओआर से फाइट लेने के लिए जा रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल भरा जरूर हो सकता है आदित्य, वो थोड़ा ओपन में पकड़े जाएंगे, डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आया, अभी भी उनको स्मोक करके अपने आप को बचाने की जरूरत रहने वाली है। गॉडलाइक के लिए बेहतर यही कि वो साइडलाइन जहां पर मौजूद थे वहीं पर रहे, बट अब टीम सोल वो भी यहां पर आती हुई। वाओ, टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम ओआर, बट जोनाथन गोब्लिन के द्वारा जोनाथन को गिराया जाएगा, खत्म भी कर दिया जाएगा। टीम गॉडलाइक अब अपने प्लेयर्स गवा सकते हैं आदित्य, वो भी यहां पे डाउन, एक बेहतरीन पोजीशन से रोटेशन करने की कोशिश, और टीम गॉडलाइक अब पूरी तरह से बैकफुट पे। बट एनुएन उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये एवो टीम जिनके लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था और वो भी प्लेयर्स अपने गवा चुकी है, बट गॉडलाइक एक और प्लेयर खत्म होगा उनका, बट अभी बहुत समय बचा है, 9 टीम्स हैं, 24 प्लेयर्स हैं। वहीं अगर अक्षत की बात की जाए, वो फंस चुके हैं, एचपी उनके पास है नहीं, एक डीबीएस के सहारे अक्षत क्या वो यहाँ पे क्लच शॉट बन सकते हैं? मौका तो रहेगा उनके पास, बट एचपी नहीं है, एक नॉक फिर भी उन्होंने यहाँ पे ओमेगा ने इट सीम्स वो निकाला, बट अक्षत को वो बचा नहीं पाए। अब सोल के नियो वो यहाँ पे आएंगे गाड़ी के साथ, स्लैमिन उन्होंने किया जरूर, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक भी किया, बट मुश्किलें बड़ी, लेकिन ओमेगा जब तक वो है तब तक घबराने की जरूरत नहीं। नो फ्रैग्स टीम सोल निकाल चुकी है और जरूरत भी नहीं उनको इतने फ्रैग्स निकालने की, मुझे लगता है अब टीम सोल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का अब यहाँ से सर्कल के अंदर पहुंच पाना। ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि एक खिलाड़ी जिसको हीलिंग्स दी जाए, या फिर वो एक कोशिश, वो आउट ऑफ द बॉक्स कोशिश करने की कोशिश करते हुए नजर आए। ओमेगा स्मोक का उन्होंने वॉल बनाया और वेस्टर्न एरिया अभी भी उनके कंट्रोल में रहने वाले हैं, और बिल्कुल जो सेंटर है सर्कल का वो खाली है, क्योंकि बिल्कुल ओपन ही सर्कल हमें देखने को मिलता हुआ, और ऐसे में सेंटर पे कोई भी टीम जाना चाहे कि नहीं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हर तरफ से उनके ऊपर शॉट्स आएंगे। बट सील की स्क्वाड वो चारों खिलाड़ियों के साथ अभी भी जीवित है, सोल की तरफ से कुछ ग्रेनेड्स आ जरूर रहे हैं, बट सील चाहती है कि वो ड्रैगन ईस्पोर्ट्स को यहाँ पे एलिमिनेट करे, बट वो दो खिलाड़ी अभी भी डटे हुए हैं। ह्यूमन की स्क्वाड की बात करें, वो आगे जाते हुए नजर आएंगे, उनको कोई जरूरत नहीं थी आगे जाने की, ऑलरेडी वो एरिया नीचे लोअर रिज पे मौजूद था, और ऐसे में गिल वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। ये करने की आवश्यकता आखिर क्या थी स्पीरो? पता नहीं ये क्या किया, यही तो पैनिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही तो प्रेशर है जो ले नहीं पाए यहाँ पे ह्यूमन गेमिंग, और उनके प्लेयर्स खत्म हो गए। ड्रैगन ईस्पोर्ट्स जो खराब जगह पे थे वो आके एक बेहतरीन जगह लेंगे ह्यूमन गेमिंग की जगह, बट अभी भी टीम सोल दो प्लेयर्स डटे हुए, वो नेट्स की वर्षा वो अभी भी करते हुए टीम सील के ऊपर। टीम सोल अलग लेवल पे खेलते हो, और यहाँ पे ये नेट नियो का बहुत वैल्यू निकालता हुआ, एक 2v4 सिचुएशन के अंदर नेट से पूरी अपने अपोनेंट को खराब कर दिया इन्होंने। अब सिर्फ एक प्लेयर यहाँ पे बचा है, प्लेयर 3 जो रिवाइव देंगे अपने प्लेयर को, अपने साथी को, और अब 2v2 की फाइट में उनको जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा। जो गॉड, उन्होंने हेल गॉड को डाउन जरूर किया, और ये ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का राइज देखने को मिल जरूर सकता है, बट लियो वाईटी वो रहेंगे जो हेल गॉड का फिनिश अपने खाते में लेकर के जाएंगे। कल के दिन पे हमने देखा था गॉब्लिन को वो ग्रेनेड से 1v3 करते हुए, और यहां पर नियो वो 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं, क्या एक और एमवीपी रेस का कैंडिडेट हमें देखने को मिलने वाला है? बट अब वो स्मोक का वॉल बनाया जाएगा, जो यूटिलिटीज यूजेज है वो ज्यादा किया जाएगा, और THW के वो एक खिलाड़ी आप क्यों लमाओ को देखिए किस प्रकार से वो फुटहिल पे बस लेटे हुए हैं, उनको भी पता है कि यहां से आगे अगर वो जाएंगे भी तो कुछ फायदा नहीं होगा, बट कम से कम वो दूसरी टीम का गेम खराब कर सकते हैं। चोक गॉड को वहां पे डाउन किया जाएगा, और अब मात्र एक खिलाड़ी बचेगा नियो, वो मुश्किलें बढ़ाते हुए ड्रैगन ईस्पोर्ट्स की, और ये 8वां फिनिश जो नियो अपने खाते में लेके जाएंगे। कोई खौफ नहीं है, जहां भी प्लेयर दिख रहा है उनको खत्म करने के लिए जा रहे हैं, और वहां पे नेट भी शानदार तरीके से किया, बट अभी भी ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का एक प्लेयर वहां पे मौजूद, क्या नियो उनको स्पॉट कर पाएंगे? बिल्कुल सामने ही तो प्लेयर है, नियो ने उनको अभी तक देखा नहीं, और उन्होंने भी स्प्रे नहीं किया, वो और पोजीशन लाना चाहते हैं। नियो अब बाहर जाएंगे अपनी बगी को उठाने के लिए, बट क्या अब वो स्प्रे आएंगे? अभी भी नहीं वो स्प्रे आए, वो टीम सोल का गेम जरूर खराब कर सकता है ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का आखिरी प्लेयर। 8bit XCS की बात करें, वो दो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, फिनिशेस उनके पास उतने ज्यादा है नहीं, मात्र 3 फिनिशेस रहेंगे, तो ऐसे में 15 अंक ले जाना अनिवार्य बन जाता है। 8bit XCS की बात करें, वो भी थोड़ा पीछे हैं, बड़े मुकाबले तो उनको भी चाहिए, बट सुपर बॉय जिन्होंने बहुत सारे फिनिशेस निकाले हैं ड्रैगन ईस्पोर्ट्स के लिए, आप उनकी पोजिशनिंग देखिए, उनको पता है कि उनके कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी, ये एक खिलाड़ी ड्रैगन ईस्पोर्ट्स को और ऊपर लेकर के जाएगा, और चलिए माइटी का वो ग्रेनेड 2 और प्लेसमेंट के अंक देगा सुपर बॉय को।
ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए रक्षक है और 5 फिनिशेस निकाल के भक्षक भी बन चुका है। बस देखना ये है कि क्या कुछ और प्लेसमेंट के पॉइंट बट नहीं हो वो यहां पर आएंगे और ये 9वां फिनिश जाता हुआ नियो के खाते में। 1v2 की वो फाइनल बैटल 8bit वर्सेस टीम सोल। नियो ने तो आज अलग गेम प्ले दिखाया बट 8bit के पास वो चिकन गया। नियो की बहुत बड़ी गलती, ओमेगा ऊपर से आ रहे थे और टीम 8bit ये बहुत जरूरी था कि वो चिकन लेके जाए। 6 फिनिशेस केवल उनके पास, बट ये चिकन बहुत ज्यादा माइटी उनके लिए।